हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका फ्रेंड राज और आप देख रहे हो रोमिंग राज। और आज जो है मैं बात करने वाला हूं व्लॉगिंग सेटअप्स के बारे में। अगर आप अपना व्लॉगिंग जो है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर व्लॉगिंग आपका आपकी हॉबी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं चीप एंड बेस्ट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है व्लॉगिंग के लिए और जो परफेक्ट फुटेज भी दे दे, जो कि एक बैलेंस्ड सी चीज हो, जो प्राइस में भी अच्छी हो और जो क्वालिटी भी अच्छी देती हो, वीडियो फुटेजेस भी अच्छे निकालती हो और ब्लॉगिंग के लिए परफेक्ट हो, तो वैसे सेटअप के बारे में मैं आज बात करना चाहूंगा। और यही वो वीडियो सेटअप है, ये ब्लॉगिंग सेटअप है जिससे मैंने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द डे। ओके दोस्तों, तो ब्लॉगिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो पहली चीज होती है, दैट इज अ कैमरा। राइट, कैमरा इज अ बेसिक थिंग विच यू नीड, जो आपको चाहिए होती है व्लॉगिंग करने के लिए। इसके साथ भी आप व्लॉगिंग कर सकते हो, राइट right? इसमें सब कुछ होता है। तो मैं कैमरे, जो फोन का कैमरा है, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि फोन बेसिकली सबके पास होता है। मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास ये आईफोन 7 था और इससे ही मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करा था। हाँ, लेकिन आप सीधे अगर फोन से ऐसे व्लॉगिंग स्टार्ट करोगे तो दो चीजों की दिक्कत आती है। पहली चीज की वो फुटेज ना प्रॉपर नहीं आ पाता है, आप हाथ भी कितनी देर ऐसे रख के शूट करवाओगे वो दर्द करने लगता है, हाथ में भी पेन हो जाता है और जो फुटेज भी है वो भी काफी क्लोज आती है, मतलब वो परफेक्ट एक अनप्रोफेशनल सा दिखता है। वो दिखता है कि आपने हाथ में हैंडहेल्ड जो फोन है उसको, उससे आपने सेटअप किया है, उससे आपने वीडियो शूट किया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा ये होता है एक स्टिक बोलो आप, ट्राइपॉड बोलो, कुछ भी बोलो, जिसमें हम फोन को माउंट करेंगे और उसके साथ फिर जो वीडियो फुटेजेस है वो बहुत ही अच्छी आती है। ये अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैं फोन का प्राइस इसमें काउंट नहीं करूंगा क्योंकि ये बेसिक चीज है और सबके पास होता है। तो इसके अलावा जो है मैं बात करूंगा, तो ये जो है वो पहली चीज है जो मैं यूज करता हूं अपने व्लॉगिंग के लिए, यूज करता था या करता हूं भी हमेशा। दिस इज ये एमआई का एक जो सेल्फी स्टिक और कम ट्राइपॉड है, ये बहुत ही यूजफुल रहा मेरे लिए और अभी भी बहुत यूजफुल है मेरे लिए। इसमें मैं अपना फोन माउंट करता हूं, उसमें मैं अपना माइक माउंट करता हूं और एक परफेक्ट व्लॉगिंग सेटअप बन जाता है वो। ये जो आप ऊपर देख रहे हो, दिस इज अ कोल्ड शू माउंट जो कि मैंने अमेजोन से मंगाया था कुछ वही लगभग 200 रुपए के आसपास का। और ये जो सेल्फी स्टिक देख रहे हो ये 999 मतलब कि 1000 रुपए के आसपास का ये स्टिक मेरे पास आया था। तो मैं इस पे फोन माउंट करके आपको दिखाता हूं और जो परफेक्ट व्लॉगिंग सेटअप होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो इस पे मैंने माउंट किया अपना फोन और ये मेरा व्लॉगिंग सेटअप एक तो रेडी हो गया। ये जो है अपने आप में काफी अच्छा, ये ऐसे खुल भी जाता है आप देख लो, और ये जो है ये ट्राइपॉड भी बन जाता है। तो बहुत सारे मल्टीपर्पसेस काम ये आपको, ये एक सिंपल स्टिक कर देगी। इससे जो फुटेज आप निकालोगे, जो वीडियो शूट करोगे ना, वो भी काफी स्टेबलाइज निकलेगा, वो अपने आप में वो शेकी नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें एक दिक्कत भी आती है व्लॉगिंग के लिए जो है ऑडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी के साथ ऑडियो क्वालिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो ऑडियो क्वालिटी के लिए मैंने ये, तो ये मैंने शू माउंट, जो मैंने कोल्ड शू माउंट है ये मैंने इस पर चिपका दिया है एरल्डिक से। और जो दूसरी चीज है मैं यूज करता हूं वो है ये माइक, ये बोया का डायरेक्शनल माइक है जो कि मैंने 2000 रुपए के आसपास जो है अमेजोन से परचेज किया था। ये क्या है कि डायरेक्शनल माइक है, जिस डायरेक्शन में ये माइक होता है उसी डायरेक्शन की जो वॉइस है ये कैप्चर करता है। और ये जो है विंड जो है उसके नॉइस को रिड्यूस करने के लिए, विंड ब्लास्टर बोलो या जो भी आप बोलो इसको, तो मैं इसको इस पे माउंट करता था, करता हूं और इसको जो है ये मेरा लाइटनिंग केबल है कनेक्ट करने के लिए। ये 3.5 mm जैक है, वैसे इसमें आप कनेक्ट कर सकते हो, आईफोन कनेक्ट करने के लिए ये चाहिए होता है बट ये आईफोन के साथ ही आता है। तो ये और ये रेडी हो गया मेरा व्लॉगिंग सेटअप, एक परफेक्ट व्लॉगिंग सेटअप है ये अपने आप में। इससे आप कंप्लीट व्लॉगिंग कर सकते हो, स्पोर्ट्स व्लॉगिंग भी कुछ हद तक तो कर ही सकते हो लेकिन नॉर्मल डे टू डे व्लॉगिंग आप इससे आराम से ही कर सकते हो। इसकी कॉस्टिंग कितनी आई, 2000 रुपए का ये माइक, ये फोन जो सबके पास होता है ये मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, और 1000 रुपए का ये और ये 200 रुपए के आसपास का ये, मतलब 3200 रुपए में आपका पूरा का पूरा व्लॉगिंग सेटअप रेडी हो गया। इसको आप ऐसे माउंट करके भी कभी भी टेबल पे भी रख के शूट कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं आती। इसकी ऑडियो क्वालिटी भी बहुत सही आती है, वीडियो क्वालिटी तो चूंकि मैं एप्पल का आईफोन यूज करता था तो वीडियो क्वालिटी इसकी अच्छी। आपके फोन भी, हर फोन का कैमरा जो है वो अच्छा ही होता है, तो आप कैमरे से भी व्लॉगिंग सेटअप स्टार्ट कर सकते हो, व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं कि मैं अब क्या यूज करता हूं अपने व्लॉगिंग के लिए।
तो मैं आपको बता दूं कि जो स्पोर्ट्स व्लॉग्स करने करता हूं मैं, अब जो एडवेंचरस व्लॉग्स करता हूं, उसके लिए मुझे चाहिए था एक एक्शन कैमरा। तो मैंने बहुत सारे जो ऑप्शंस थे, गोप्रो था अपना हीरो 7, हीरो 8, और था ये DJI का ऑस्मो एक्शन। तो मैंने ये DJI का ऑस्मो एक्शन प्रेफर किया, क्यों? क्योंकि इसमें ये फ्रंट स्क्रीन थी। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूं। अब ये जो फ्रंट स्क्रीन है, इसकी वजह से जो है आपको व्लॉगिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। मतलब आप अपने आप को देख के व्लॉग कर पाते हो, क्या चीज फ्रेम में आ रही है, कौन सी चीज फ्रेम में नहीं आ रही है, वो परफेक्टली आपको दिखता है। प्लस इसकी वीडियो फुटेज बहुत अच्छी है, ये 4K वीडियो रिकॉर्ड भी करता है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी है, क्योंकि वो सारे एक्शन कैमरे में होते हैं, इसकी भी स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है, और HDR मोड है इसके अंदर, और ये एक परफेक्ट व्लॉगिंग कैमरा मुझे लगा। और इसकी प्राइस भी है जो अभी तो GoPro 8 से कम है, मैंने कुछ वही 22,000-23,000 रुपीज में Amazon से लिया था। मैंने सारे प्रोडक्ट्स का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, बेस्ट भाई आप वहां से देख के परचेज कर सकते हो। तो ये कैमरा जो है, ये मैं कैमरा अब यूज करता हूं अपने वीडियोस के लिए। और इसके साथ जो है ये छोटा सा ट्राइपॉड है, या ग्रिप बोलो, ये और ये, मैं इसको माउंट करके दिखाता हूं आपको। तो ये हो गया मेरा व्लॉगिंग सेटअप रेडी। ना ही मैं इसमें माइक यूज करता हूं, ना ही कुछ और। ये मेरा एक्शन कैमरा और ये ट्राइपॉड, ये ट्राइपॉड भी है छोटा सा, और जो है ये ग्रिप का भी बहुत अच्छा काम करता है, मतलब मेरे लिए तो सफिशियंट रहा हमेशा। और बस ये दोनों ही एक परफेक्ट व्लॉगिंग सेटअप की तरह मेरे लिए काम करता है। मेरा कोई भी आप व्लॉग देख लो, ये वीडियो, या फिर ये वाली वीडियो, या फिर ये वाली वीडियो, फिर वही है दिन ये, फिर वही है शाम ये सारे वीडियोस मैंने बस इन दो चीजों से निकाली है, और मेरे ख्याल से वो परफेक्ट इसने अपना, इन दोनों ने अपना काम किया। ये लगभग मैंने वही आपको 600 रुपए के आसपास जो है मैंने अमेजोन से मंगाया था। हालांकि जब आप एक पूरा सेटअप, एसेसरीज का सेटअप परचेज करोगे, तो उसमें आपको ये बहुत सस्ता पड़ता है, लगभग 1000 रुपए में आपको इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, तो वो आप परचेज कर सकते हो। इन सारे का जो है बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एक चीज और है जो मैं कभी कभी यूज करता हूं अपने व्लॉगिंग के लिए, दैट इज अ हेड माउंट। ये हेड माउंट है जो कि इसमें हम अपना GoPro या फिर एक्शन कैमरा कुछ भी जो माउंट कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, ये आपके हेड पे ऐसे लग जाता है। हालांकि मैं इसको कैप के ऊपर लगा के यूज करता हूं। ये अगर हमने ये हम ऐसे लगा देते हैं और यहां पे हमारा कैमरा जो वो माउंट हो जाता है, तो कुछ भी आप करते हो, अगर कुछ भी आप कर रहे हो तो वो आप शूट कर पाओगे। अगर घर में आप व्लॉग बना रहे हो और कुछ भी आपको शूट करना है, हाउ यू आर मेकिंग, आप किचन में हो, आप फ्रिज ओपन कर रहे हो, कुछ भी करो, तो ये जो है परफेक्टली वीडियोस को शूट करता है। तो मैं इसको घर पे वैसे वीडियोस निकालने के लिए यूज करता हूँ। ये भी बहुत महंगा नहीं, ये भी 300-350 रुपए में आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आप, ये उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ दिस वर्क्स। ये भी अच्छे फुटेजेस निकालता है, इसकी वजह से भी जो फुटेजेस है, जो एंगल्स है, वो बहुत अच्छे आते हैं। हाँ, मैं इसको पहले कैप पहनता हूँ, उसके ऊपर इसको फिक्स करता हूँ, क्योंकि बाहर जाऊं अगर मैं व्लॉग्स ये लगा के, तो फिर वो ऑड नहीं लगता है, क्योंकि कैप के ऊपर माउंट रहता है, ऐसे थोड़ा ऑड लगने लगता है। तो अगर आप अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इन बस 3000 रुपए के सेटअप से भी आप अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, और दैट विल बी गिव यू बेस्ट फुटेज। ऐसा नहीं है कि वो फुटेज खराब आएगी और ऐसा कुछ। हाँ, जब आप स्पोर्ट्स के लिए जाओगे या एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाओगे, तो फिर आपको ये जो है एक्शन कैमरे की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ एक ड्रॉबैक है कि ये जो लो लाइटिंग कंडीशंस होती है, उसमें ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। अब देखो, ऐसे तो व्लॉगिंग के लिए आप DSLRs भी ले सकते हो, लाख लाख रुपए का DSLR आता है, लेकिन वो भारी भी होता है, और प्लस मुझे ये छोटा सा चाहिए था, जो कि मैं थोड़ा भी हेजिटेशन ना हो मुझे जब मैं व्लॉगिंग करता हूं। लोग ऐसे देखते हैं ना, तो फिर वो चीजें बहुत, आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो, बहुत बार अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जो अगर आप बिगनर हो तो या तो फोन के साथ अपना व्लॉगिंग स्टार्ट कर लो, या फिर बस एक एक्शन कैमरा और ये छोटा सा ट्राइपॉड या मिनी ट्राइपॉड आप ले लो, और उसके साथ आप अपना व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब जहां तक बात है महंगे सेटअप की, तो भाई उसका कोई तो अंत है नहीं, मतलब आप लाख 2 लाख का भी कैमरा ले सकते हो,
और बहुत सारे अच्छे ट्राइपॉड्स ले सकते हो, वो सारी चीजें अलग है, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है व्लॉगिंग के लिए, दिस इज मोर देन एनफ, दिस इज एनफ। सिर्फ रात के फुटेजेस का प्रॉब्लम है, वो भी अच्छा ही आता है, ऐसा नहीं बोलूंगा, हाँ डीएसएलआर के जैसा नहीं आता है, मैं ये बोलूंगा, लेकिन हाँ फिर भी रात में आप कितना ही व्लॉग शूट करते हो बहुत कम, मोस्ट ऑफ द जो व्लॉग्स होते हैं वो डे टाइम में ही लोग शूट करते हैं, जो ट्रैवल वीडियोस होते हैं या बाकी चीजें होती हैं, तो मेरे ख्याल से दिस वर्क्स वेल। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो और यूजफुल लगा हो, तो फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।